Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब बढ़िया हो. So guys, आज अभी पहले मैं टाइम बता देती हूँ. अभी बज रहा है 12:30 और मैं अभी आधे घंटे पहले घर पहुंची हूँ. So आज मैं गई थी लखनऊ की बड़ी ही स्पेशल जगह, जो सबको पता होगा, शर्मा जी की चाय बहुत ही फेमस है. उन्हीं के पास गई थी, वहीं गई थी मैं, हजरतगंज गई थी. वहां पे मैं चाय पीने गई थी. बेसिकली वैसे मैंने वहां चाय तो पिया, बट मैंने कभी इस तरीके से प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है. और आज मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है जब मैं पब्लिकली इस तरीके से कैमरा लेकर वीडियोस शूट करती हूँ. तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, बट मैंने कोशिश की वीडियो बनाने की. तो चलिए पहले वीडियोस देख लेते हैं, फिर बाकी सारी प्रॉब्लम की बात में करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये आ गए हम शर्मा जी की चाय के पास. चलते हैं, जरा उनके चाय की चुस्की लेते हैं. उसके पहले आप लोगों को जरा यहाँ का लोकेशन दिखा देते, जो जाना पहचाना सा लगता है थोड़ा. तो ये जो जगह है शर्मा जी की, जो चाय का जो दुकान है, उसके सामने जो बड़ी सी जगह है, यहीं पर लोग आते हैं, बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ, टाइम और यहाँ पे स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय करते हैं. बहुत ही बढ़िया लगता है और ठंडियों में तो और भी ज़्यादा मज़ा आती है इस जगह पे. और ये दुकानों के सामने तो आप भीड़ देख ही रहे हो. सोचो गर्मी में इतनी भीड़ है तो ठंड में कितनी होती होगी. चाय की चुस्की लेने से पहले शर्मा जी की दुकान देख लेते हैं थोड़ा सा. ज़रा ये पूरा गांव वाला फील आता है ये, जिसमें भी चूल्हे पे चाय पकता है. देखिए ये यहाँ पे चाय बन रही है, इस तरफ पे चाय बन रही है और दूसरे काउंटर से वहाँ पे से सर्विस की जाती है लोगों को. तो एक तरफ चाय बनती है, एक तरफ से चाय सर्व किया जाता है. और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ शर्मा जी एक्चुअल है कौन. ये जो अंदर खड़े हैं ये है शर्मा जी. तो यहाँ हमारा समोसा, बन, मक्खन और चाय तैयार है. और वो भी जो वो हमारा बन है ना, पूरा मक्खन से लबरेज है, एकदम भरा पड़ा हुआ है. और आपको ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर आपका हो जाएगा इजिली. लोग आपके पास आएंगे, आपको बताना है आपको क्या खाना और ऑर्डर आपका हो जाएगा. जैसे शर्मा जी की चाय फेमस है वैसे इनके समोसे भी बहुत फेमस हैं. आप देख सकते हो राउंड राउंड बॉल की शेप के हैं. और ये इसको जब हम लोग इसका मसाला देखते हैं, आलू बाहर निकालते हैं, तो असली समोसे का मजा आता है. एक ग्लास चाय पीने के बाद मेरा मन किया कि मैं कुल्हड़ वाली चाय भी टेस्ट करूं, तो मैंने उसको भी ऑर्डर किया. और उसके बाद आप देख सकते हो मेरा जो बन मक्खन था वो तो खत्म ही हो चुका है और समोसा भी ऑलमोस्ट डन. इधर आ जाओ. ये हाथ हटा लो. इस वक्त तो दुकान खाली है, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा रश होता है तो आपको वहाँ पर ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है. आप इधर पे ही इस तरफ पे खड़े होके लोग आते रहेंगे, उनके लोग आएंगे, आपको बताना है कि आपको क्या क्या खाना है और आपको सर्विस इस साइट पे ही मिल जाएगी और पेमेंट भी आप इधर से ही कर सकते हैं. गाइस अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी भी वहाँ पे भीड़ है. और मैं यहाँ हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पे आई हूँ, मैं वापस जा रही हूँ. तो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊँगी. तो चलिए घर पहुँच के बात करते हैं. बाय. With destination to Munshi तो यस गाइस, अगेन मैं यहाँ पर आ गई हूँ. आप लोगों को मैंने दिखाया था हजरतगंज स्टेशन पहले और आज मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पर लेकर आई हूँ. बहुत ज़्यादा कैमरा मूव कर रहा है मुझे पता है. तो चलिए अब घर चलते हैं.
तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शर्मा जी। तो शर्मा जी जो है, इनकी जो दुकान है बहुत टाइम पहले से, इनके पूर्वज के पूर्वज जो जो था उन्होंने वो शुरू किया था। बहुत ही छोटी सी शॉप थी, फिर धीरे 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 वो बड़ी हो गई और उनके जो जनरेशन आगे बढ़ती गई, लेकिन किसी ने उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया क्योंकि सबको पता था कि ये बहुत चल रही है और आगे तक कंटिन्यू रहेगी, तो अभी तक चल रही है। फिर दूसरी चीज़ की जब लोगों ने देखा कि शर्मा जी की चाय इतनी चल रही है, दुकान इतनी चल रही है, तो लोगों ने अपने नाम के आगे भी शर्मा लगाना शुरू कर दिया लोग, स्पेशली दुकानों में। वहाँ पे आप अगर नेट पे भी डालेंगे ना तो आपको इतने सारे टी स्टॉल्स दिख जाएंगे, लेकिन अभी उस टाइम पे दो वहाँ पे शॉप ज़्यादा फेमस हैं, एक शर्मा जी की चाय और दूसरा शर्मा टी स्टॉल। ये दो शॉप जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और दोनों उसी एरिया के आसपास में ही हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ चाय पीने के लिए लोग लखनऊ के पता नहीं किस किस कोने से उठ के जाते हैं। हम लोग भी लखनऊ के एक कॉर्नर पे रहते हैं, हम लोग हजरतगंज जाते हैं स्पेशली, मतलब मैं काफ़ी बार गई हूँ, 4-5 बार तो जा ही चुकी हूँ चाय पीने के लिए। और बहुत सारे लोग आते हैं यार, लोग VIP लोग आते हैं, कारों से आते हैं, वहाँ पे लाइन लगाते हैं कि हमें चाय पीना है। आज भी मैंने देखा था कि 2-3 VIP टाइप के लोग आए हुए थे। हाँ, तो ऐसा वो नाम उसका इतना अच्छा है और इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि वहाँ पर लोग दूर दूर से चाय पीने आते हैं। मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत ब्रिलियंट चाय थी, मतलब ऐसी चाय मैंने कभी ज़िंदगी में चखी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी चाय है। बट मैं अगर आपको प्रीवियस कभी हो पाया तो मैं आपको प्रीवियस बोल रही हूँ कभी बाद में हो पाया तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अभी लेटेस्ट जहाँ पे चाय पी थी, बहुत टेस्टी चाय थी, बट वो मैं शूट नहीं किया मैंने। सो ऐसा नहीं कि बहुत है, बट हाँ एक नाम बन गया है और जब नाम बन गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ऐसा ही कुछ है। और जब किसी जगह का, किसी स्पेशल शॉप का इतना ज़्यादा नाम हो, इतना ज़्यादा सुना हो, तो हर किसी का मन करता है कि जाके ट्राई करें, देखें आखिर ऐसा क्या है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं, क्योंकि मैं जा तो काफ़ी बार चुकी हूँ लेकिन कभी इस तरीके से प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया, तो वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, बट स्टिल मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ को कवर कर पाऊँ। आप देख सकते हैं कि अभी मई चल रहा है, इतनी गर्मी है फिर भी लोग कितने सारे आ रहे हैं, तो सोचो ठंडी में क्या हाल होता है। वहाँ पर ठंडी में लाइन लगानी पड़ती है, बहुत बुरी तरीके से भीड़ होती है वहाँ पे, ऐसा हाल होता है। सो अगर आप लखनऊ वाले हैं, अभी तक आप वहाँ नहीं गए तो आप भी जाइए, वहाँ का ब्रेड मक्खन चखिए और उसका समोसा खाइए, चाय लीजिए, चाय की चुस्की लीजिए, बड़ा मजा आएगा। मैंने तो 2 बार चाय पिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कुल्हड़ में भी मिल रहा है, उसका कुछ अलग ट्रिक था, कुल्हड़ में थोड़ा शायद क्रीम वगैरह कुछ एक्स्ट्रा रहता है, ऐसा कुछ था, तो दोनों चाय का ऐसा टेस्ट डिफरेंट था। तो आप लोग कुल्हड़ वाली ज़रूर लीजिएगा और शायद 5 रुपये का अंतर होता है प्राइसिंग में आई थिंक। तो चाय अफोर्डेबल थी, महंगी नहीं थी, ब्रेड मक्खन था, समोसा था, अपने फैमिली वालों के साथ जाइए, बढ़िया खाइए पीजिए, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए और उसके बाद सुबह सुबह बढ़िया अच्छा घूम फिर के घर पे आ जाइएगा, फ्रेश माइंड हो जाएगा, हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। सो बस आज की वीडियो यही तक थी, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर हिट कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टाटा।